हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में बहुत मुस्कुराते हुए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स बड़ा हुआ बना पड़ा। ये क्लास टेंथ में बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स तो ले लिया, लेकिन क्या पढ़े हम इसके अंदर ताकि अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। ऐसे पास नहीं, एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से पास हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। चलिए बने रहे दोस्त। इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्त, धनुष का एडमिशन ओपन हो चुका है। कोई आपके बच्चा आस पड़ोस में हो, कहीं पे भी हो, कोई ब्रोकर के चंगुल में ना फंस जाए, हम इससे चाहते हैं कि आप उनका जरूर हेल्प करना, उनको हमारा व्हाट्सअप नंबर या आप सब जगह शेयर करना ताकि कोई भी ऐसी जगह ना फंसे और विदाउट मिसगाइडिंग अच्छे जगह एडमिशन ले और अच्छे मार्क्स पर पास हो। अब हम बात करते हैं क्या कि किस तरीके से मैथमेटिक्स की हम तैयारी करें ताकि क्लास टेंथ एनुअल के अंदर बच्चे अच्छे मार्क्स निकाल दें। ये दोस्त कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया कि मैथ्स को पढ़ने के बाद आप क्या बन जाओगे। हैं, मैथ्स को पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स बन जाओगे भाई, हैं रामानुज बन जाओगे, आर्यभट्ट बन जाओगे। हैं, चलिए तो यहाँ पर तो ठीक है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव से हमें बताया गया है कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो, डिस्क्राइब बेसिक कंसेप्ट, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, टर्म्स, सिंबल्स एंड ये सब तो है ही है ना। तो ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स के रूप में बताया गया। स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो इंजीनियर में, आर्किटेक्चर में, स्टैटिस्टिक में, बैंकिंग लाइन में, सब जगह मैथ्स तो है भाई। अगर आप मान लो इन सब को छोड़ दो, अगर मैं एसएससी की किसी जॉब्स की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो अगर आपने एनुअल क्लास टेंथ का मैथ्स पढ़ लिया तो ऐसा कोई जॉब नहीं है आप निकाल नहीं सकते। जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, चुटकी में निकाल दोगे। इतना अच्छा आपका ये मैथ्स का कवर करता है एनुअल क्लास टेंथ का। मीडियम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बाकी और बच्चे जो चाहते हैं इसको मराठी, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, मलयालम में पढ़ना वो भी पढ़ सकते हैं, एनुअल छूट देता है इस चीज़ों की। अब मार्क्स वर्टिस की बात करते हैं हम, आपको इसमें क्या पढ़ना होगा ये भी बताऊंगा मैं। पहले हम ये समझते हैं थ्योरी आपका 85 का आने वाला है, 15 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल आने वाला है, इट मीन्स 100 हो गया। लेकिन ये 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा ये अलग है, और 85 का जो थ्योरी आएगा ये दोनों अलग है। दोनों में ही आपको सेपरेटली पास होना है। 85 में से आपको 33% यानी कि 33% लाकर ही पास होना है, और 15 में से आपको लगभग 10 मार्क्स के आसपास प्रैक्टिकल में आने चाहिए तब आप पास माने जाओगे। अगर दोनों में से किसी एक में फेल हो और एक में पास हो तो आप फेल कर दिया जाओगे, SYCT या SYCP दे दिया जाएगा आप सभी को इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपको दोनों में ही अलग से पास होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ इन दोनों को मिलाने के बाद 100 तो हो गए। तो ये TA में बच गया अभी, जिसको बताया गया है कि 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। आप ये सोचोगे कि TMA का क्या 20 मार्क्स मिलने वाला है, तो ऐसे 85 और 1500 और 120 मार्क्स हो गए, तो ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। 85 का 20% निकाल लो, 85 के 20% आपको TMA में दे दिया जाएगा, इट मीन्स यानी कि 85 का 20% 17 के आसपास होने वाला है ना। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको 20% जो TMA का मार्क्स होता है वो आपको थ्योरी के मार्क्स में से दिया जाता है और अलग से नहीं दिया जाता। जो आपको एक्चुअल में ये 85 दिखता है थ्योरी में लिखा हुआ पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, वो 85 नहीं होता। इसमें से 85 में से आपको माइनस 17 कर देना है, क्योंकि इसका 85 का 20% निकालोगे तो इट मीन्स शायद आई थिंक 70 मार्क्स निकलेगा, और इस 17 मार्क्स में आपको TMA में दिया जाएगा। यानी कि अब अगर आप TMA देते हो तो आपको आउट ऑफ 17 में से मार्क्स मिलेंगे, 17 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, याद रहे। तो जितने भी थ्योरी के पेपर होंगे सभी के TMA के मार्क्स 20% थ्योरी के मार्क्स में से निकाला जाता है। क्लियर है, डिड यू गेट माय पॉइंट। चलिए यहाँ पे ये समझ में आ चुका होगा आपको, और ये हो आपका जो 15 मार्क्स है ये बिल्कुल ही अलग है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 85 में से 33% लाना है अगर आप पास होना चाहते हो मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर 33%, ठीक है। 85 ऑलमोस्ट मान लो कि आप 30 मार्क्स ले आओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए अभी 30 मार्क्स कैसे लाओगे इन दोनों को मिलाकर, नहीं आप 30% लेकर आओगे। देखो थ्योरी में से ही दिया गया TMA के मार्क्स को, तो आपको थ्योरी प्लस TMA इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर यानी कि 85 है ना, क्योंकि 85 में 17 मार्क्स इसका भी जुड़ा हुआ है, कैलकुलेट किया गया हुआ है ना, इंक्लूड है वो TMA का मार्क्स। तो 85 में से आपको 33% लेकर आना है पास होने के लिए, और अलग से सेपरेटली इसमें पास होना है आपको प्रैक्टिकल के अंदर। तो दोनों में ही अलग अलग पास होना होगा, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। आपके जब रिजल्ट आएगा उसमें आप प्रैक्टिकल का अलग कॉलम होगा, TMA का अलग और थ्योरी का अलग। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अगर आप TMA नहीं देते हो तो इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको सिर्फ थ्योरी के मार्क्स में से ही 33% लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप TMA देते हो तो 17 में से अगर आप 15-16 भी आ जाते हैं, और अगर आप 15-20 नंबर या 22-25 नंबर आप थ्योरी के एग्जाम में ले आते हो तो पासिंग मार्क्स तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो TMA आपको पास होने में और आपके परसेंटेज को इंक्रीज करवाने में हेल्प बहुत करता है ये, तो TMA जरूर दे। समझ आ गया आप सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आते हैं अब, यानी कि जो सिस्टम है आपका एवोल्यूशन का सिस्टम वो क्या है। देखिए मोड ऑफ एवोल्यूशन, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, TMA जो है आपका सेल्फ बेस्ड होगा, ये आपको बना के देना होगा ये, और 20% ही थ्योरी में से आपको मार्क्स में से दे दिया जाएगा।
पब्लिक यानी कि जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं वो थ्योरी का होगा, कितने का, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 85 मार्क्स दिया जा रहा है। 85 एक्चुअल में दिख रहा है बट -17 कर लेना इसमें से, 17 मार्क्स तो TMA के लिए है। एंड प्रैक्टिकल जो है वो 3 घंटे का होगा, 15 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल पहले होता है देन थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल का होल टिकट पहले आता है फिर थ्योरी का होल टिकट अलग आता है। जिसमें प्रैक्टिकल आपका हुआ है उस सेंटर में आपका थ्योरी का एग्जाम नहीं होता, थ्योरी का अलग होता है प्रैक्टिकल अलग होता है। चलिए अब हम समझते हैं कोर्स कंटेंट। देखो पास क्राइटेरिया 33% है, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, अभी हम आपको बता देंगे, उसी पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं मॉड्यूल कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला मॉड्यूल है आपका एलजेब्रा वाला मॉड्यूल। एलजेब्रा वाला मॉड्यूल सबसे पहला है। देखिए ये एलजेब्रा वाला मॉड्यूल फर्स्ट वाले मॉड्यूल में आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपके 7 चैप्टर आपके फर्स्ट मॉड्यूल में एलजेब्रा वाले में कवर किया गया है। इस हिसाब से नंबर सिस्टम तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है ना, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट मॉड्यूल में एक लीनियर इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है ना, एक क्वाड्रेटिक वाला, यानी कि ये जो 7 आपके जो चैप्टर्स हैं इन टोटल का मार्क्स प्रोड्यूस 20 है। अगर आप इन 7 चैप्टर्स को कवर करते हो, अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयारी प्रिपेयर कर लेते हो एग्जाम्स के लिए इन 7 चैप्टर्स की, तो इन 7 चैप्टर में से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स आपके पक्के। सारे क्वेश्चन बुक से आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता, एनुएस की ये खास बात है, इसलिए एग्जाम बहुत ईजी आता है, टाइम से मत लेना, सिर्फ एनुएस की बुक से अच्छे प्रैक्टिस करना, ठीक है, 20 मार्क्स। बाकी क्लास से चल रही है, आपको पता है कि दोस्तों मैराथन क्लास हमने ले रखी है ऑलरेडी, 12 घंटे की क्लास में आपको सब कुछ कवर करवा दिया हमने, पता होगा आप सभी को। चलिए और कौन नहीं जानता भाई, YouTube के इतिहास सबसे पहली बार ऐसा हुआ था। तो 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर फर्स्ट वाला मॉड्यूल कर लेते हो आप, तो उस वाले मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है जिस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स तो कम होंगे, 2-3 चैप्टर्स 3-4 चैप्टर्स हों लेकिन मार्क्स वेटेज ज़्यादा हों। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको इन चैप्टर्स में, कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बता दिया आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। चलिए एंड अब आते हैं हम सेकंड वाले मॉड्यूल में, कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपको परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस है ना, इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, यानी कि ये देखो सेकंड वाले मॉड्यूल के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और ये आ रहा है आपका 8 मार्क्स में। इट मीन्स अगर आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले तो 8 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स कम पक्के, समझ में आ गया आपको। तो इन पे फोकस करना है आप सभी को, देखो चैप्टर्स भी कम है, मार्क्स भी 8 है भाई, बहुत हेल्प करता है, एक एक नंबर के लिए संघर्ष होता है, ठीक है। चलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बोलते नहीं ऐसे हम। चलिए थर्ड मॉडल आता है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो सबकी फटी पड़ी हुई यार, ज्योमेट्री टेंशन मत लेना, बहुत ईजी होता है ये, बट प्रैक्टिस मानता है यार, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे समझ में आएगा आप सभी को। अब दोस्त हम कभी जिम में जाते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन करके जिम छोड़ देंगे तो बेसिक बॉडी बन गई हो लेकिन वो फिर से बॉडी लटक जाती है। वैसे ही अगर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो उसके बाद सब कुछ खत्म, सारा रायता फैल जाएगा, तो रायता फैलने मत देना, मतलब पोछा मारना पड़ जाएगा। चलिए ज्योमेट्री में देखते हैं हम 10-11 यानी 2-4-6-7-9 चैप्टर 9 चैप्टर आपके ज्योमेट्री मॉड्यूल थर्ड में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है और 25 मार्क्स में, यानी कि अब तक के पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स इसके अंदर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी के अंदर है। तो ज्योमेट्री और अगर आप ये कर लेते हो यानी कि ज्योमेट्री वाला चैप पोर्शन एंड अगर आप और सेकंड वाला जो मॉड्यूल ये दोनों कर लेते हो तो आपके पास मार्क्स TMA को जोड़ के तो आ ही जाएंगे, सुना गया आप सभी को। चलिए अभी और दिखाता हूँ मैं आप सभी को, मैं सभी हिंट देते जाऊँगा आपको, ये डिपेंड आप पे करता है, डेट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्रिपेयर करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए एंड मॉड्यूल फोर्थ में आते हैं मेंसुरेशन वाला, बा भैया मेंसुरेशन बड़ा मजा आता है पढ़ने में। देखिए एंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स, अब इसमें देखते हैं हम आपके 1, 2, 20 और 21 2 चैप्टर्स हो गए इसके अंदर एंड हाँ इसके अंदर आपके 2 ही चैप्टर्स हैं मेंसुरेशन के अंदर और मार्क्स देखेंगे हम तो 10 है। और अगर हम पीछे आए जब हमने जो सेकंड मॉड्यूल देखा था हमने यहाँ पे, ये देखिए इसमें 2 चैप्टर है बट इसमें भी 8 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे, तो इस हिसाब से आपको सेकंड और फोर्थ मॉड्यूल करना है जिसमें चैप्टर्स तो कम है ना। बाकी यार तो ज्योमेट्री वाला तो करना ही करना है अगर आपको अच्छा लगे वो तो, ठीक है, लेकिन पहले हम देखते हैं किस पे कम कम है, तो सेकंड और फोर्थ में हमें कम लगा है अभी, चैप्टर उससे कम है और मेंसुरेशन टॉपिक भी अच्छा होता है ये, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गए हमारे, अभी हमने किस कौन सा फोर्थ मॉडल हमने कंप्लीट किया, अब आते हैं 5th मॉडल ट्रिग्नोमेट्री। है ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आपके 2 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। लो भाई ट्रिग्नोमेट्री भी आपके 2 ही चैप्टर से, यानी कि इस वाले मॉड्यूल के अंदर भी 2 चैप्टर है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ है और 10 मार्क्स में, यानी कि सेकेंड मॉड्यूल फोर्थ मॉड्यूल एंड 5th मॉड्यूल ये 3 मॉड्यूल तो गांठ बांध लो, अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो करना ही करना है। हाँ अभी ज्योमेट्री पे अभी हम ऑप्शन पे आते हैं किसमें से कौन कौन चैप्टर करना, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला यहाँ पे आ गया
एंड नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, स्टैटिक्स पे। अरे बाप रे बाप, ये वाला मॉड्यूल आ गया। इसमें थोड़ा आपका दिमाग थोड़ा खपत होगा इसमें के अंदर, क्योंकि इसमें डेटा एंड देयर रेस्पिरेशन क्या है आपके। देखो आप जब भी हम मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हो यार, तो पहले आप उसको जरूर करें जिसमें आपका पहले इंटरेस्ट आता है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई सोल्यूशन निकल रहा है ना करने के बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा करने में, अरे मजा आ रहा है यार, मेरा सोल्यूशन निकलते जा रहा है। अगर एक बार अपने आप पे डिमोटिवेट हुए तो बस सर यार डिमोटिवेट हो गया यार, मन नहीं कर रहा करने का यार, बस बाद में करूँगा, अब ऐसा बिल्कुल भी होने मत देना। तो पहले वही करना जो आपको आता है। देखो ये आपका मॉड्यूल जो है आपका, ये सिक्स मॉड्यूल, एक दो तीन थ्री चैप्टर्स के अंदर है ये, देखिए आपका, यानी कि तीन चैप्टर्स में कवर कर रहा है ये सिक्स मॉड्यूल के अंदर, और 12 मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं आपके। तो आपको अभी तक जो सबसे ज़्यादा मॉड्यूल वाला है वो है आपका ज्योमेट्री। कौन सा है? ज्योमेट्री, ठीक है। तो वो मेंसुरेशन वाला की करना कवर 100% करना ही करना है। लास्ट में आपके प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बताया गया है कि प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या, मतलब कि कौन कौन से पार्ट कवर किया जाता है। तो दोस्त देखो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल के अंदर आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से कवर किया जाता है। ये चैप्टर्स भी प्रैक्टिकल्स वाले हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिकल के अंदर दे दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपके टोटल 15 मार्क्स का होने वाला। तो ये तो अलग चीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया, ऊपर तक ये हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ कि देखो जो जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स अभी हमने देखा वो तब वो कवर करना ही है, बट ज्योमेट्रिक्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ये 10 वाला आपका हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स वाला हो गया, एक ये वाला हो गया आपका 12 एंड 13 हो गया आपका, एक हो गया आपका ये 17। अब ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि नहीं बाकी छोड़ दूं तो दिक्कत हो जाएगा। इन सभी चैप्टर्स में दोस्त अगर मैं एक बात, लगभग 15 के आसपास इसके अंदर थ्योरम्स हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा सबसे पहले आप थ्योरम्स को कवर करो, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, वही आपका ये पूरा मॉड्यूल कवर कर देगा, ठीक है। तो थ्योरम्स से फोकस करना है, और जो जो दोस्त अभी मैंने आपको बताया उन पर आपको स्पेशली कवर यानी कि फोकस करके चलना है, ठीक है, उन पर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा एंड 17, ये हो गया हमारा। तो जो जो टिक लगाया दोस्तों उस पर एक बार देख लीजिए आप, बाकी इनके सभी के थ्योरम्स 100% आपको करना है, फोकस उस पर ज़्यादा देना है, ठीक है। तो ये आपका कवर कर देगा ज्योमेट्री में। बाकी दोस्त हमने समझ लिया कि कौन सा कितने मार्क्स में आने वाला है। बाकी दोस्त जो एनएस के नोट्स वगैरह हैं वो हमारे पता आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जहां से इसको डाउनलोड करना है ब्लू प्रिंट को, आपको यहां से डाउनलोड करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यहां पे आपको मिल जाएगा एनएस क्लास 12 ब्लू प्रिंट एंड क्लास 10th ब्लू प्रिंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है, डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओगे आप, नीचे लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड उसके वो नोट्स जिसमें सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे आप सभी को, लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, साथ ही वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के सभी मॉड्यूल्स के दो सब हमने शामिल कर दिया है। एनएस के नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जैसे आप वेबसाइट पे आओगे इस वाली वेबसाइट पे लिंक है, सब चीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है एनएस नोट्स, ये रहा, यहाँ पे आपको सबको नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स के, आप इसको ले सकते हो। पीडीएफ भी, हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर आती है, सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी पढ़ाई में, तिनका सा भी दिक्कत नहीं आने दूंगा दोस्त, टेंशन मत लेना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखना, क्यों? क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रहता है या मैंने कुछ पॉइंट कवर नहीं किया तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, पता कब ईजी होगा? कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, ये नारा हमेशा याद रखना भाई, हमें मेरा सिद्धांत है ये, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो। जो जो हमारे सेंटर इसमें ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनको मैं भी यही बताते रहता हूँ, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, ठीक है। और आप सबको हमेशा मैं गाइड करता रहता हूँ, अपना प्यार दोस्तों ही बनाए रखना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके सब जगह शेयर करना, ताकि मैथमेटिक्स का डर भगाया जा सके। इन सभी चैप्टर जो जो दोस्तों मैंने ब्लू प्रिंट्स में दिखाया आप सभी को, इन सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर दिया है। 12 घंटे की दोस्त लाइव क्लास लिया था हमने, अगर उस क्लास को आप देखना चाहते हो जिसमें सभी चैप्टर्स कवर किए गए हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके अभी देखना स्टार्ट कर दो मेन चैनल पे मनीष वर्मा चैनल के ऊपर। जय हिंद, जय।